चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज के सातवें वीडियो को देखने वाले हैं। अभी तक परसेंटेज पर टोटल छह वीडियो बन चुके हैं, मतलब मैं परसेंटेज आपको लो से हाई में ले जाना चाहता हूं। इसी कारण से परसेंटेज के सारी बातों को टॉपिक बाय टॉपिक, मतलब एकदम सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट के अनुसार बताते चल रहा हूं, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चुनाव पर आधारित प्रश्न को समझेंगे और चुनाव पर आधारित प्रश्न जो भी आते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए ट्रिक क्या होते हैं, इन सारी बातों पर आज की इस वीडियो में हम फोकस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, ध्यान दीजिए, एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होता है और वह 140,000 मतों से विजयी घोषित होता है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना, तीन चीज आपको ज्ञात करना। एग्जाम में आपका एक ही क्वेश्चन कहेगा ज्ञात करने के लिए, या तो जीतने वाले प्रत्याशी को मतों की संख्या, चाहे हारने वाले प्रत्याशी के मतों की संख्या, चाहे कुल मतों की संख्या, एक ही पूछेगा। आपके पास चार ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए सारी बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं। पहली बात है कि दो तरह के प्रत्याशी है, यानी पहले कुल मत हम लोग मानकर चलते हैं। यहाँ पर कुल जो मतों की संख्या है, मतलब वोट जो है, मान लीजिए कि 100% वोट है, ठीक है ना। और इन 100% वोट में से दो व्यक्ति बढ़ जाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जो विजयी होता है, तो उसको विजयी वाले यहाँ पर लेकर चलते हैं। आज जो हारा हुआ व्यक्ति है दोनों के लिए, मतलब दो प्रत्याशी है तो एक हारेगा एक जीतेगा, तो बोले कि जीतने वाले को 60% मत प्राप्त होता है। और तो सोचिए हारने वाले को कितना परसेंट मत प्राप्त होगा, इसका मतलब 40% मत प्राप्त होगा। दो प्रत्याशी नहीं है तो विजयी होने वाला 60% से विजयी हुआ, इसका मतलब हारने वाला कितने परसेंट से, 40% से वो हार चुका है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि और वह 140,000 मतों से विजयी होता है, और हरी जोन विजय हुआ है 60% वाला व्यक्ति, इसको 140,000 एक्स्ट्रा वोट मिला हुआ है, इतना वोट से वो क्या हो गया, विजयी हो चुका है। तो वही बोलना है कि जीतने वाले प्रत्याशी के लिए मतों की संख्या, तो नंबर वन चलते हैं देखकर। नंबर वन आपको जो ज्ञात करना है यहाँ पर ध्यान दीजिए, और यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना परसेंट का पड़ जा रहा है, तो 20% का पड़ जा रहा है। इसका मतलब जीतने वाला प्रत्याशी जो है ना, वो 20% से मतलब जीता हुआ है, 20% इससे 20% अधिक से जीता हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको 60 मिला है, इसको 40% मिला हुआ है, तो 20% ज्यादा वोट से कौन जीता है, तो जीतने वाला जो प्रथम व्यक्ति है, मतलब चुनाव में तो दो ही व्यक्ति है, प्रथम और सेकंड, तो पहला को 60%, दूसरा को 40% मिला है, दोनों का डिफरेंस देख रहा है, तो 20% आपको अंक है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो 20% का उसको मतलब 140,000 वोट ज्यादा मिलते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि उसको 20% पर 140,000 वोट 20% ज्यादा मिले, मतलब 140,000 उसको वोट लगभग मिले हुए हैं। यहाँ पर फोकस करिएगा, मात्र 20% ही अधिक वोट मिले हैं तभी जाकर वो जीता है, 20% अधिक वोट से जीता हुआ है। तो कितने परसेंट, मतलब कितना वोट अधिक मिला है, तो 140,000 से मतों से अधिक जीता हुआ है। ध्यान दीजिए, समझिए क्वेश्चन को पहले, ठीक है ना। एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी को 60%, ठीक है ना, तो हारने वाले को 40%, तो जीता कितना परसेंट है, तो 20% से, आप 20% में उसको कितना वोट मिला है, तो 140,000 अधिक वोट से वो क्या हो चुका है, जीत चुका है, ठीक है। अभी यहां पर ध्यान देंगे, मतलब 20% का उसको कितना मिल गया, 140,000 वोट मिल चुका है, तो यहां पर 1% का निकाल लीजिए, 1% का निकाल लीजिए, ठीक है। तो 1% का यदि यहां पर निकाल लेंगे आप, 1% का, तो हो जाएगा 140,000, आप बटा चलाएगा ये 20 नीचे, एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, और फिर 2 × 7 = 14 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 7,000, यानी 1% पर कितना वोट उसको मिल 1% पर उसको कितना वोट मिला, 7,000। तो हमें कितना परसेंट पर, 60% पर दिखाना है क्या उसको कितना वोट मिला, क्योंकि जीतने वाले के मतों की संख्या निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 60% पर उसको देख लेते हैं मतों की संख्या, यहाँ पर 7,000 गुना कर देंगे 60 से, तो 7×7 = 42 हो जाएगा, 3 जीरो यहाँ पर 1 = 4 जीरो, मतलब 4,20,000 लगभग उसको वोट मिले हैं, किसको, जीतने वाले को। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस समझने वाली बातें आएंगी यहाँ पर। उसको वो 20% ज्यादा वोट से जीता है, इसका मतलब 20% का उसको 140,000 वोट मिला, 20% का कितना मिल गया, 140,000 वोट मिला, ठीक है ना, 140,000 वोट मिला है, तो 1% में निकाल लिए, तो 1% में उसको 7,000 वोट मिला, इसका मतलब 60% पर जीता वो, तो 60% में वोटों की संख्या निकाल दिया, 7,000 का 60 से गुना कर दिया, तो 4,00,000 कितना आ गया, 42,000 वोट उसको मिला है, मतलब उसको टोटल जो वोट मिला है जीतने वाले को कितना मिला है, 4,42,000। अगर इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के अनुसार आप बनाना चाहेंगे तो फोकस करिएगा ध्यान से, 20% पर उसको 140,000 वोट मिला है, तो 60% पर आपको बताना था, तो 20 का 3 गुना है, तो यहाँ पर 140,000 का 3 गुना करेंगे तो यही आएगा, 4,20,000 आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 गुना करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, समझने पर फोकस
फोकस करनी चाहिए कि 20% का उसको 140,000 वोट मिला है, ठीक है। इसका मतलब 60% बजाना है, तो 60% मतलब 20 का 3 गुना, तो 140,000 का 3 गुना कर देंगे तो आपका आंसर वही आएगा 420,000, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आप फोकस कर लीजिए ऐसे इसका, ठीक है। इसी का दूसरा क्वेश्चन अभी देख रहा है, अभी इस क्वेश्चन पर हम लोग नहीं आ रहे। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि हारने वाले प्रत्याशी को कितने अंक प्राप्त हुए, तो हारने वाले को, तो ध्यान दीजिएगा अभी आप देख लिए कि 20% पर कितना 140,000 वोट उसको मिला है, ठीक है ना। 20% पर, तो 40% पर आपको बताना है, तो 1% पर मैं निकाल चुका हूँ, या भी वैसे 1% पर उसको 7,000 मिला है। इसका मतलब ये 40% से आ रहा है, वो 40% वोट मिला तब भी आ गया, तो 40% पर आप निकाल लेते हैं डायरेक्ट हम लोग। 40% पर उसको कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 140,000 आप बटा ये चलाए, बटा आपका ये 20 चलाएगा इधर और आपका 40 चलाएगा इधर। देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, मान लीजिए कि 20% पे 140,000, तो 1% में निकालेंगे तो 20 आपका बटा में चलाएगा, तो 40% में निकालेंगे तो 40 से तो गुना करना पड़ेगा ना, वही क्रिया है सेम आपका है, बस शॉर्ट कर रहा हूँ। 10 से 10 कट दी सर, 2×2=4, तो गुना कर दीजिए ना, गुना कर देंगे 14×9 हो जाएगा 28, 2,80,000 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यानी वो हारने वाले को कितना वोट मिला है, तो 2,80,000 मिला है, लेकिन जीतने वाले को वोट कितना मिला है, तो 4,20,000 वोट मिला है। किसको, जीतने वाले को। कैसे, देखिए इसको भी कॉन्सेप्ट के अनुसार समझेंगे। मान लो कि 20% पर 140,000 वोट मिला है, तो 40% पर मतलब 20 का दोगुना हो जा रहा है, तो यहाँ पर 140,000 का दोगुना करेंगे तो 2,80,000 हो जाएगा। तो आप कॉन्सेप्ट के अनुसार भी इसको समझ कर बना सकते हैं, ठीक है। अब और बात पर आप फोकस करते हैं, तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर ज्ञात करना है, तीसरा कुल मतों की संख्या निकाला है, कितना उसको मत प्राप्त हुआ है, कुल वोटों की संख्या आपको निकाल देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर इस बात पर आप जरा सा फोकस कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए फोकस करते हैं यहाँ पर, तो कुल मतों की संख्या तीसरा में आपको निकालना है। तो पहले यहाँ पर ये समझिए आप, 20% पर कितना वोट मिल गया आपको, 140,000 मिल गया, ठीक है। तो 100% पर आपको निकाल देना है, इसका मतलब 20% का 140,000, तो 20 का 5 गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 140,000 का 5 गुना करिए 7,00,000 वोट हो जाएगा टोटल, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 100% वोट पर कितना उसको मिलेगा, तो 140,000 आप बटा 20 आ गुना कर देंगे 100 से, क्योंकि ये 20 बटा में चलाएगा, 100 से गुना कर देंगे यहाँ पर, तो 20×5=100 और 14×5=70, इसका मतलब क्या होगा, 7,00,000 वोट मिल गया किसको, यानी टोटल वोटों की संख्या कितनी हो गई, 7,00,000 हो गई। इसको कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग बनाएंगे ना, तो यहाँ पर फोकस करिएगा कि 20% पर उसको वोट 140,000 मिला एक्स्ट्रा, इसका मतलब 60% पर निकालना जीतने वाले को, तो 20 का 3 गुना कर दिया, 140,000 का 3 से गुना कर देंगे, 4,20,000 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा था हारने वाले कुल वोटों की संख्या निकालना था, कि हारने वो कितना वोट मिला था, तो 20% पे 140,000, तो 40% पर हारा वो, इसका मतलब 20 का 2 गुना, 140,000 का 2 गुना कर देंगे, 2,80,000 हो जाएगा। और तीसरा था कुल वोटों की संख्या निकालना, टोटल मतलब 100% वोट निकालना था, तो 20% पे 140,000, इसका मतलब 100% मतलब 20 का 5 गुना करना है, तो 140,000 का 5 गुना कर देंगे तो 60,00,000 वोटों की संख्या आ जाएगी, 7,00,000 वोटों की संख्या आ जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बेटर से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न नंबर 1 थोड़ा सा समझने वाला था, स्टार्टिंग क्वेश्चन था, इसलिए इस पर फोकस करना जरूरी था, ठीक है ना। तो चलिए 1 नंबर समझ गए होंगे, अब 2 नंबर देखते हैं। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, कितने उम्मीदवार थे, 3 उम्मीदवार थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 10% मत प्राप्त हुआ है, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को 50% मत प्राप्त हुआ है। यदि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के मध्य 2,40,000 मतों का अंतर हो, तो मतों की कुल संख्या निकालना है। पहले यहाँ पर फोकस करिए, कुल मत देखते हैं, टोटल मत कितने प्राप्त हुए, ठीक है ना। टोटल मत, मान लो टोटल मत है, टोटल जो वोटों की संख्या वो 100% है, कितना परसेंट है, 100% है, ठीक है। 100% टोटल वोटों की संख्या है। अभी 100% वोट में 3 उम्मीदवार खड़े हैं, कितने उम्मीदवार खड़े हैं, तो 3 उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं। इस बात पर फोकस कर लीजिए ऐसा, ठीक है। 3 उम्मीदवार खड़े हैं, तो बोला है कि ये फर्स्ट उम्मीदवार, ये सेकेंड उम्मीदवार और ये थर्ड उम्मीदवार, मतलब एक चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े हैं और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 10% ही वोट मिला है। कितना परसेंट, मात्र 10% वोट मिला है। और बोल रहा है कि फर्स्ट जो जीता, जीतने वाला उम्मीदवार है, उसको 50%, मान लीजिए पहला जो है वो जीता हुआ है, तो 50% इसको वोट प्राप्त हुआ है। तो सोचिए पहला को 50 और दूसरे को 10, तो पहले को 50 और तीसरे को 10%, तो सोचिए दूसरा को कितना परसेंट वोट मिलेगा, इसका मतलब 40%। क्यों, क्योंकि पहला को 50 मिल गया, दूसरा को 10 मिल गया, तीसरा को 10 मिल गया, तो दूसरा को कितना 40% बचेगा। टोटल वोट 100% है, 100% में 3 आदमी खड़े हैं, जिसमें से तीसरे प्रत्याशी को कितना 10% और फर्स्ट प्रत्याशी को 50%, तो सेकंड प्रत्याशी को कितना मिलेगा 40% वोट मिलेगा। अब यहां पर क्या है कि
यहाँ बोल रहा है कि दूसरे और तीसरे है, दूसरा और तीसरे उम्मीदवारों के मध्य 240,000 वोटों का अंतर है। यहाँ पर अगर ध्यान से फोकस करी जाए तो दोनों के बीच कितना का अंतर है, 40% और 30%, 10% दोनों के बीच 30% का अंतर है। और इसी पर दोनों का बोल रहा है कि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के मध्य वोटों का अंतर कितना है, वोटों का अंतर बोल रहा है कि 2,40,000 का अंतर है, वोटों का अंतर। यानी यहाँ पर परसेंटेज में देखेंगे 30% का अंतर है, आप वोट में देखेंगे तो 2,40,000 का यहाँ पर अंतर पड़ जा रही है। तो बताना है टोटल मतों की संख्या कितनी होगी आपको ये बताना है। फिर एक बार समझिए, 100% मान लीजिए कि आपका वोट है, उसमें 3 आदमी खड़ा हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड को 10% और फर्स्ट को 50% मिला, तो सेकेंड को आपको मिलेगा 40%। बोला है कि सेकेंड और थर्ड दोनों के मतों का अंतर 2,40,000 है, इसका मतलब इनका परसेंटेज देखेंगे 30% और मतों का अंतर देखेंगे ऐसे तो 2,40,000 होगा। तो कुल मतों की संख्या निकालना है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, चूंकि 30% मतों पर उसको कितना मतलब मतों का अंतर है 2,40,000, 30% वोट का मतलब होगा 2,40,000 यहाँ पर वोट मिले हुए हैं। तो यहाँ पर आप 1% का निकाल लीजिए या 100% का डायरेक्ट निकाल लेते हैं, चलिए तो 100% मतों पर निकालेंगे, तो सोचिए 30% का 2,40,000 है, तो 100% का चलना है। यहाँ पर सिंपली आप समझेंगे ध्यान से, 30% पर 2,40,000, तो 1% पर निकालेंगे तो 30 चलाएगा बटा में, फिर 100% पर निकालेंगे तो 100 गुना में आ जाएगा, तो इसका मतलब है 2,40,000 अब बटा हो जाएगा 30 और गुना हो जाएगा 100, ये ना करेंगे, 30% पर 2,40,000 हो गया, तो 1% पे आप निकालेंगे तो 30 बटा में चलाएगा, अब फिर 100% पर निकालेंगे तो 100 गुना करना पड़ेगा, 100% पर देखते हैं कि मतों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, फोकस कर लीजिए सर, हाई एगो जीरो से यहाँ एगो जीरो कटिस कर दीजिए, हाई तीना वाट है 24, ठीक है ना, 8 बार में कट गया तो कितना आ गया, तो 8 पर 4 को 0, 1 को 0, यहाँ पर 5 को 0, तो 8 पर 5 को 0 आप बैठा दीजिए, ठीक है ना, 5 की 0 मतलब 800,000 जो है ना वोटों की संख्याएं हो जाएगी, कितनी 800,000, यानी यहाँ पर टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 800,000। देखिए मैंने कैसे बनाया, टोटल मान लिया कि मत आपका 100% है, उसमें 3 व्यक्ति खड़ा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड को 10% और पहला को 50%, यानी सेकंड को 40% मिलेगा। बोला है कि सेकंड और थर्ड के मतों का अंतर जो है ना 2,40,000 है, इसका मतलब 30% अंतर है, तो 30% में 2,40,000 दिया हुआ है, तो 100% पर हमें निकालना, टोटल मत 100% है, तो 100% पर निकाल दिया तो कितना आ गया 800,000 टोटल मतों की संख्या आ गई। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 आप बेटर से समझ गए होंगे। अब चले 2-3 और प्रश्न लोग देखते हैं। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न आपका है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी को 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, मतलब 10% ऐसे मतदाता हैं जो 10% वोटे नहीं दिए हैं, इसका मतलब 90% वोट दिए हैं, तो 90% में से बोल रहा है कि 60% पर विजयी घोषित होता है, और 60% पर विजयी जब घोषित होता है तो इसका मतलब है कि 90,000 मतों से वो विजयी घोषित हो जाता है। तो ज्ञात करना कुल मतों की संख्या, जैसा क्वेश्चन यहाँ पर है वैसा क्वेश्चन यहाँ पर भी है, ध्यान दीजिए फोकस करिए। तो यहाँ पर यदि सिंपल तरीके से यदि हम यहाँ पर समझे तो कुल मतों की संख्या आपको ज्ञात करना है, तो मान लीजिए कुल मत आपका 100% है, कुल वोटों की संख्या 100 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 तरह का वोट आपका बनेगा, कैसे 2 तरह का बनेगा, एक तो वोट पड़ा है और दूसरा वोट नहीं पड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कितना वोट पड़ जाएगा आपका, 100 में से 90% वोट पड़ा है लेकिन 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया, यही ना बात यहाँ पर आ रही है कि कुल मान लो 100% है जिसमें से 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, यानी 10% वोट नहीं दिया है, इसका मतलब देने वाला कितना परसेंट होगा, 90% वोट देने वाले लोग यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब 90% वोट देने वाले लोग मौजूद है तो इसमें भी 2 तरह के लोग मौजूद हो जाएंगे, एक जीतने वाला मतलब एक विजयी और दूसरा हारने वाला, ठीक है ना, हारने वाला और विजयी होने वाला। तो बोल रहा है कि 10% मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया, ठीक है ना, तो 90% प्रयोग किया तो 90% में जीतने और हारने वाले का फाइनल होने वाला है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 90% का जब प्रयोग हुआ है, 90% का, तो 90% में बोल रहा है कि 60% जो मतदाता है ना विजयी होता है 60% पर, तो इसका मतलब है कि इसको 60% पर क्या होता है वो विजयी घोषित होता है, इसका मतलब है को कितने परसेंट पर हार गया, तो 30% वोट उसको मिला है, 30% वोट प्राप्त करके वो हार चुका है, 90% वोटे पड़ल है जिसमें 60% पर विजयी होता है और हारा कितना परसेंट, 30% पर हारने वाला व्यक्ति है, ठीक है ना। अब यहाँ पर फोकस करेंगे कि दोनों का यदि अंतर देखी जाए जीतने और हारने वालों का, तो 30% हो जा रहा है, और बोला है कि कितने मतों से विजयी होता है, तो 30% का देखी जाए तो उसको
90,000 वोट मिलते हैं, लगभग 90,000 वोटों से वो क्या होता है, विजयी होता है। यानी 30% उसको वोट अधिक मिला है, इसका मतलब है कि 30% अधिक मिला मतलब 90,000 उसको वोट अधिक मिला है। तो कुल वोटों की संख्या आपको निकालना है, तो यहाँ पे इस बात पर फोकस करिए। चूंकि ध्यान दीजिए और समझिए इस बात को यहाँ पर, चूंकि 30% वोट का मतलब उसको 90,000 वोट मिल गया है, ठीक है, 90,000 यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो हमें 100% निकालना है, टोटल वोट निकालना है, 100% का वोट निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, 30% का 90,000 हो गया, तो 1% का निकालेंगे तो 30 बटा में चलाएगा, 100% का निकालेंगे तो 100 गुना में चलाएगा। तो यहाँ पर 90,000 आप बटा हो जाएगा 30 और गुना हो जाएगा 100, ठीक है, 100% पर निकाले, 30% का 90,000 हो गया, ठीक है। तो 1% का निकालेंगे तो 30 बटा में चलाएगा, 100% का निकालेंगे तो 100 गुना में चलाएगा। हाई एक जीरो से एक जीरो कटिस और 3 3 9, यानी 3,000 बचेगा, 3,000 का 100 से गुना कर देंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 3,000 का 100 से गुना करेंगे तो 3,00,000 हो जाएगा। मतलब 3 पर 3 को 0 और 2 को 0 बैठा देंगे तो 5 को 0 बैठ जाएगा यहाँ पर, 2 4 5। यानी देखिए जाए कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3,00,000 हो जाएगी, ठीक है। फोकस करिए एक बार और ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि 10% मतदाताओं ने अपने वोटों का प्रयोग नहीं किया, तो बात सीधी से 90% यूज होगा। तो 90% में दो तरह के लोग होंगे, विजयी और हारने वाला, तो विजयी होने वाला 60% और हारने वाला 30%। और बोल रहा है कि 90,000 वोटों से विजयी हो जाता है, इसका मतलब है कि 60 और 30 का डिफरेंस 30% है, यानी 30% वोट से विजयी हुआ है पहला व्यक्ति, ठीक है ना, 30% वोट से विजयी हो गया है। तो इसका मतलब 30% में 90,000 वोट आ रही है, तो 30% का 90,000 तो 100% का निकाल दिए, 90,000 बटा 30 अगुना 100 कर दिए। कैसे, तो 30% का मान लो 90,000 है, तो 1% का निकालेंगे यहाँ से तो 90,000 बटा 30 हो जाएगा, तो 100% का निकालेंगे तो 90,000 बटा 30 अगुना हो जाएगा 100, ठीक है, क्रिया कर दे, 3,00,000 आपका वोट आ गया। यानी टोटल यहाँ पर मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3,00,000 हो जाएंगी, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी 4 नंबर है, इस क्वेश्चन पर जरा सा आप फोकस करिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिसमें 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। यहाँ पर भी वैसा ही था, यहाँ पर भी वैसा, यहाँ पर भी 10% लोग प्रयोग नहीं किए थे, यहाँ पर 10% लोग प्रयोग नहीं किए हैं, ठीक है। अब इस बात पर जरा सा आप फोकस करिए यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए कुल मतों की जो संख्या है आपकी, कुल मत मान लीजिए कि 100% है, कितना है, 100% है, जो टोटल मत है वो कितना परसेंट लेकर चल देते हैं, 100% है। और इसमें से भी 2 भाग हो जाएंगे, कौन कौन सा भाग, इस पर फोकस करिए आप। तो 2 तरह का भाग आपका पड़ जाएगा कि वोट पड़ा है और पड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो कितना परसेंट वोट पड़ा है, तो कितना परसेंट, 10% वोट नहीं दिया गया, इसका मतलब कि 90% वोट आपका क्या हो गया, पड़ गया है। ये बात समझ में आ रही है ना, 90% वोट क्या हो गया, आपका पड़ल है, इसी में से आपका विजेता घोषित होगा और हारने वाला घोषित होगा, इसी 2 भाग में सुना होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो बोल रहा है कि 10% मतदाताओं ने अपने वोटों का प्रयोग नहीं किया, तो जीते हुए प्रत्याशी को प्रयोग हुए मतों का 60% मत प्राप्त होता है। कह रहा है कि जीता हुआ जो प्रत्याशी है, मान लो कि विजयी हो गया, ये जीता हुआ प्रत्याशी है, ठीक है, और ये हारा हुआ प्रत्याशी है। तो बोल रहा है कि जो विजयी हुआ प्रत्याशी है, जीते हुए प्रत्याशी को प्रयोग हुए, तो प्रयोग कितना, 90% ना वोट प्रयोग हुआ है, तो प्रयोग हुए मतों में से 60% मत प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है कि 90% प्रयोग होता है, तो 90% का कितना उसको, 60% वोट मिलल है। ये बात समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा हटकर है, यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया था कि उसको 60% वोट प्राप्त हुआ है तब जाकर विजय घोषित हुआ है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि जीते हुए प्रत्याशी को, क्या बोला है, जीते हुए प्रत्याशी को प्रयोग हुए पड़ता है, प्रयोग हुए मतों का 60% मत प्राप्त होता है। यानी जो जीता हुआ प्रत्याशी है उसको प्रयोग हुआ, कितना प्रयोग, 90% वोट प्रयोग हुआ है, तो 90% का 60% वोट प्राप्त हुआ है। तो इसका क्रिया करके देखिए कितना परसेंट उसको वोट मिला है, तो 90% का मतलब 90 बटा कितना हो गया, 100 आगुना लिख देंगे यहाँ पर 60%। हाई एगो जीरो से एगो जीरो कटिस, एगो जीरो से एगो जीरो कटिस, तो कितना आ जाएगा, 9 6 कितना हो गया, 54% वोट मिला है, तब जाकर वो विजयी घोषित हो गया है, ठीक है। यहाँ पर इसी बात को समझना है आपको, क्या समझना है, तो यहाँ पर बोला है कि जो जीता हुआ प्रत्याशी है, जो विजयी प्रत्याशी है, जीते हुए प्रत्याशी को प्रयोग हुए मतों का 60% मत प्राप्त होता है। तो जीता हुआ प्रत्याशी जो है उसको प्रयोग हुआ, प्रयोग 90% हुआ है, तो 90% का 60% उसको मत प्राप्त हुआ है, तो 90% का 60% निकाल दिए, तो कितना आ गया, 54% वोट प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि इसको कितना परसेंट प्राप्त होगा, अब आप बताइए इसको, ध्यान दीजिए, तो 90% में 54% विजेता को आ गया, इसका मतलब है कि इसको कितना परसेंट, 36% जो है ना प्राप्त हो जाएगा वोट, ठीक है ना, क्योंकि 90% है टोटल,
पड़ा हुआ बोर्ड जिसमें 54% से विजेता हो गया था, हारने वाला 36% रहेगा। अब यहाँ पर दोनों का डिफरेंस जरा सा हम लोग देख सकते हैं कितना का डिफरेंस पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस देखिए दोनों का कितना का पड़ रहा है, तो 54 और 36 का कर देंगे 18% का डिफरेंस पड़ रहा है। तो वही बोला कि 7200 मतों से विजय होता है, मतलब 18% से विजय हो रहा है, तो 18% मतलब कितने वोटों से विजय हो रहा है, तो 7,20,000 वोटों से वो क्या हो रहा है, मत है नहीं 7 लाख नहीं है, 72,000 वोट है, 72,000 वोटों से वो क्या होता है, विजयी होता है, ठीक है ना। 72,000 वोटों से क्या होता है, विजयी होता है। यहाँ पर समझने वाली बात थोड़ा सा फोकस करने वाली आ रही है बुआ, कि देखो 54% जीता और 36% वाला हार गया, दोनों का डिफरेंस कर दिया 18%, यानी जीतने वाला 18% वोट से जीता है, 18% वोट का मतलब 72,000 वोट से जीता हुआ है। तो हमें दिखाना है टोटल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर फोकस करिए, चूंकि एक बात यहाँ पर देखेंगे 18% से जीता हुआ है, मतलब कितने वोट से जीता, वो 72,000 वोट से जीता हुआ है, तो 100% वोट हमें निकालना है। तो सोचिए यहां पर है 72,000, ठीक है ना, तो 18% का यहां पर निकल गया 72,000, ठीक है। तो 1% का निकालेंगे तो 18 बटा में चलाएगा, फिर 100% का निकालेंगे तो 100 कहां चलाएगा, गुना में चलाएगा। तो 100% हमें वोट निकालना, टोटल वोटों की संख्या निकालना, तो 100% पर निकाल लेते हैं, फोकस करने वाली बात है नहीं है यहां पर, ध्यान दीजिए। 18% का 72,000 हो गया, तो 100% का निकालेंगे तो 72,000 बटा कितना हो जाएगा, 18 गुना 100, कैसे 18% का 72,000 तो 1% का निकालेंगे तो 18 बटा में चलाएगा, तो 72,000 बटा 18 हो जाएगा, फिर 100% का निकालेंगे तो 72,000 बटा 18 गुना क्या करना पड़ेगा 100। अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, तो डायरेक्ट कट जाएगा 78 इसका मतलब कितना हो गया 4,000 हो गया, 4,000 का 1,000 से गुना कर देंगे, तो 4,000 का 100 से गुना करना, 4,000 का 100 से गुना करेंगे 2 जीरो यहाँ पर बैठ जाएगा, इसका मतलब कितना आ जाएगा 4 लाख आ जाएगा, यानी यहाँ पर टोटल जो मत की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4 लाख हो जाएगी। एक बार और इस क्वेश्चन में फोकस करिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई तरह के एग्जाम में सब क्वेश्चन कर चुका है। तो ध्यान दीजिएगा 10% वोट नहीं पड़ा था, इसका मतलब 90% वोट पड़ा, और उसमें से विजयी और हारने वाला 2 व्यक्ति होंगे, तो विजयी में शर्त था कि जितना वोट पड़े हुआ है उसका 60% उसको वोट मिला है, यानी 90 का 60% निकाल दिए 54% आ गया, यानी हारने वाले को 36% मिला है, ठीक है ना। दोनों का डिफरेंस 18%, यानी जीतने वाला व्यक्ति 18% से जीता हुआ है, यानी 72,000 वोट से जीता हुआ है, तो 18% मतलब 72,000 वोट मिल गया, तो 100% में निकाल दिए, तो 72,000 बटा 18 गुना कितना करेंगे 100, काट कपट के 4 लाख वोटों की संख्या आ गई। तो इस तरह से ये चारों क्वेश्चन जो है ना आप समझ गए होंगे चुनाव से संबंधित, तो परसेंटेज का ये मिलाकर 7 जोन वीडियो आपका क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो और इस पर 2-4 मैं वीडियो लाऊंगा और परसेंटेज की और जो बातें वो सारी बातें मैं समझा दूंगा, ताकि कहीं भी आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग परसेंटेज के 8वें पार्ट को देखते हुए फिर मिलेंगे।